उनके अथक प्रयास से, अनीता जी की मेहनत रंग लाई और ये नाला जो है, बरसाती पानी जो आता है वो बरसाती पानी नाले के रूप में तरीके से यहाँ से निकास हो जाएगा। और अनीता जी ने जिस तरह से इस क्षेत्र का विकास किया, मैं समझता हूँ एमडी कॉलोनी गांधीनगर। मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2021-22 के तहत वार्ड 56 में 25,20,000 की लागत से बनने वाली पेवर सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास। विधायक अनिता बधेल, वार्ड 56 की पार्षद अंजना शेखावत व पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत ने किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2021-22 के तहत कराए जा रहे विकास कार्यों की कड़ी में विधायक कोष से स्वीकृत 25,20,000 रुपये की लागत से वार्ड नंबर 56 मधुबन कॉलोनी नाका बाजार से शॉपिंग सेंटर तक पेवर रोड निर्माण कार्य का विधिवत पूजा अर्चना के साथ शिलान्यास किया गया। शिलान्यास के अवसर पर अजमेर दक्षिण विधायिका अनिता बधेल, पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत, वार्ड 56 की पार्षद अंजना शेखावत सहित भाजपा पदाधिकारी व कॉलोनावासी मौजूद रहे। शिला पट्टिका का अनावरण कर सड़क निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस मौके पर पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि दक्षिण विधायक अनिता बधेल के द्वारा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के नाकाबाजार इलाके में गांधी कॉलोनी, जेपी नगर, मधुबन कॉलोनी सहित आसपास के इलाकों में लाखों रुपये के विकास कार्य कराए जा रहे हैं। उन्होंने इस अवसर पर स्थानीय पार्षद अंजना शेखावत और विधायक अनिता बधेल का आभार व्यक्त किया। गौरतलब है कि सड़क निर्माण कार्य हो जाने से स्थानीय लोगों को सड़क की परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, वहीं आवागमन का मार्ग भी सुलभ हो सकेगा। मधुबन कॉलोनी में दो जगह आज उद्घाटन किए गए, जिसमें सबसे पहले पेवरीकरण का कार्य जो 25.20 मतलब 25,20,000 का पेवरीकरण का मधुबन कॉलोनी में कार्य होगा। उसके साथ में नाले का निर्माण का भी स्वीकृति हुई और उसका भी उद्घाटन आज बहन अनीता जी ने किया। यहाँ की वार्ड पार्षद अंजना जी शेखावत हैं और उनके अथक प्रयास से अनीता जी की मेहनत रंग लाई और ये नाला जो है, बरसाती पानी जो आता है वो बरसाती पानी नाले के रूप में तरीके से यहाँ से निकास हो जाएगा। और अनीता जी ने जिस तरह से इस क्षेत्र का विकास किया, मैं समझता हूँ एमडी कॉलोनी गांधीनगर, जेपी नगर, ये सारा एरिया वार्ड 55, 56, 57 जितने भी वार्ड हैं, इन सभी वार्डों में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ जो अछूती रही हो। सारी जगह इन्होंने कार्य किया, इसलिए मैं अनीता जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। इसी प्रकार से वो कार्य करते रहें और दक्षिण क्षेत्र का विकास करते रहें। जय हिंद, जय भारत।